हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है अंजू राय व्लॉग में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम आज पनीर चिल्ली की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा रेसिपी एंड तक बने रहिएगा और मेरा रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आप सब को हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप सब हेल्प और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पनीर ले ली है। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे छोटा सा पनीर था तो मैं पनीर को ही ले लिया। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को चौड़ा चौड़ा काटे। यहाँ पे मैंने मैदा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, मैंने एक चम्मच के करीब ही मैदा ऐड किया है, ज़्यादा ऐड नहीं कि एक चम्मच भी नहीं था। उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को चौड़ा चौड़ा कटिंग कर लिया है और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट ले ली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पनीर चिल्ली बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को मैंने चौड़ा चौड़ा ले कटिंग कर ली है और शिमला मिर्ची को। तो यहाँ पे हम एक पैन चढ़ा देंगे। क्या हो गया? हाँ, जा नोच को पोछो उसमें। तो यहाँ पे हम पनीर को फ्राई कर देंगे तेल डाल के। तो यहाँ पे हम अच्छे से फ्राई करके निकाल देंगे। तो इतना ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन दरदरा कूटा हुआ था उसको भी ऐड कर दी। उसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हमने इसमें शिमला मिर्ची और प्याज को भी डाल दिए हैं। इसको भी थोड़ा देर फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, मेरा तबीयत ख़राब है अभी, इसलिए मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, बैठ गया है। तो यहाँ पे मैं शिमला मिर्च थोड़ा देर फ्राई कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस डाल दिए। यहाँ पे हम रेड चिली सॉस तो हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, मैंने टमाटर केचप डाला है 2 चम्मच के करीब। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह से पनीर चिल्ली बनाने से पनीर चिल्ली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पकने के लिए पानी ऐड कर दी, तो थोड़ा सा पकेगा इसलिए। उसके बाद हम थोड़ा सा फ्राई होने देंगे इसको, साथ में उसके पनीर भी ऐड कर दिए। तो दोस्तों, अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा पनीर चिल्ली बन गया है। तो थोड़ा सा और सूखा होने देंगे। तो आप देख सकते हो हमारा पनीर चिल्ली बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। हमने गैस को ऑफ कर दी। तो हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। तो दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है, थोड़ा देर ही लगता है, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से पनीर चिल्ली बनाएंगे तो देख सकते हो हमारा पनीर चिल्ली बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया है। तो दोस्तों, ये एकदम फटाफट जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है, तो इस तरह से आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।